Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. Now we will go for our HDFS commands. So now we will go for the command prompt. Okay. तो कमांड प्रॉम्प्ट आपको कहाँ से मिल रहा है? ये कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ से भी आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा टर्मिनल. ओके, नाउ सपोज कंट्रोल एल फॉर क्लियर स्क्रीन, कंट्रोल एल एंड दिस इज एल एस कमांड वी कैन यूज. ओके, सो दिस एल एस कमांड्स आर विच कमांड? दिस इज लिनक्स कमांड. ओके, ये कौन सा कमांड है अभी? लिनक्स कमांड. ठीक है, लिनक्स के सारे कमांड है. उसके बाद लिनक्स के थ्रू हम किससे कम्युनिकेट करेंगे? अब हम कम्युनिकेट करेंगे हडूप सिस्टम से. तो हडूप सिस्टम में अगर हमें कुछ भी कमांड देना है तो एच डी एफ एस डी एफ एस से स्टार्ट करना है एनी कमांड, सो दैट कमांड प्रॉम्प्ट कम टू नो दैट ओके यू वॉन्ट टू वर्क ऑन एच डी एफ एस फाइल सिस्टम एंड नॉट ऑन लिनक्स फाइल सिस्टम. क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, तो एच डी एफ एस डी एफ एस इज द कमांड इफ यू वॉन्ट टू डू एनी थिंग विद द एच डी एफ एस क्लस्टर और फाइल सिस्टम. ओके, और जब भी आप कमांड दोगे यहाँ पे, तो अभी आप स्टार्ट कैसे करना है एच डी एफ एस डी एफ एस? जस्ट लाइक इन एक्सेल इफ यू वॉन्ट टू राइट द फॉर्मूला यू रिक्वायर टू राइट इक्वल टू साइन, द सेम वे हियर एच डी एफ एस डी एफ एस इज द बाई डिफॉल्ट लाइन फॉर हडूप. ओके, अनदर ऑल्टरनेटिव फॉर एच डी एफ एस डी एफ एस इज हडूप एफ एस, दैट इज ऑल्सो वर्किंग. ओके, हडूप एफ एस भी दे सकते हैं, एच डी एफ एस डी एफ एस भी दे सकते हैं. कुछ कमांड ऐसे हैं जो हडूप एफ एस से चलेंगे, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द कमांड विल रन विद द एच डी एफ एस डी एफ एस. ओके, हाइफन यू रिक्वायर टू गिव इफ यू वॉन्ट टू गिव एनी ऑफ द कमांड. ठीक है, तो यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं, देखो यहाँ पे कमांड एल एस क्या दे रहा है आपको? लिनक्स फाइल सिस्टम. यहाँ पे एल एस कमांड आपको क्या देगा? सो इट विल एक्सेस योर हडूप फाइल सिस्टम. क्लियर हुआ ये? ये आपको क्या दे रहा है? हडूप फाइल सिस्टम. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इसमें है. ठीक है, तो ये हडूप का फाइल सिस्टम है क्लाउडेरा का, और ये लिनक्स का. सो नाउ एट ए टाइम यू आर वर्किंग विद थ्री एनवायरमेंट्स. ओके, एट ए टाइम वी आर वर्किंग विद द थ्री एनवायरमेंट. द फर्स्ट एनवायरमेंट इज व्हाट? दिस. द फर्स्ट एनवायरमेंट इज योर विंडो. ओके, ये इसकी फाइल सिस्टम है, विंडो की फाइल सिस्टम है. ठीक है, एंड द सेकेंड फाइल सिस्टम इज दिस लिनक्स फाइल सिस्टम. ओके, एंड द थर्ड वन इज एच डी एफ एस फाइल सिस्टम. क्लियर हुआ? तो तीन एनवायरमेंट में हम काम कर रहे हैं. ठीक है, नाउ कंट्रोल एल फॉर क्लियर स्क्रीन. ओके, नाउ आई वॉन्ट टू नो द वर्किंग डिरेक्टरी ऑफ द लिनक्स फर्स्ट, सो दैट आई कैन वर्क ऑन द लिनक्स एंड थ्रू लिनक्स आई कैन कम्युनिकेट टू क्लाउडेरा. तो आई रिक्वायर द वर्किंग डिरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डिरेक्टरी ऑफ द लिनक्स. सो पीडब्ल्यू डी इज द कमांड फॉर दिस. ओके, pwd is the command. आप एंटर करो pwd, सो यू विल गेट स्लैश होम स्लैश क्लाउडेरा इज द होम डिरेक्टरी और डिफॉल्ट डिरेक्टरी ऑफ लिनक्स. ये किसकी डिरेक्टरी है? लिनक्स की डिरेक्टरी. अच्छा, अभी आपको यहाँ पे अगर इस तरीके से देखना है, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप कंप्यूटर फाइल सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा पूरा फाइल सिस्टम. ठीक है, तो ये भी होम क्लाउडेरा. ठीक है, दिस इज व्हाट द वर्किंग डायरेक्टरी फॉर द लिनक्स. ठीक है, तो ये आपको इजीली एक्सेसिबल है, बट व्हाट अबाउट योर क्लाउडेरा और हडूप फाइल सिस्टम? दैट इज नॉट अवेलेबल ओवर हियर. ठीक है, वो ये सिस्टम में आपको सिर्फ क्या मिलेगा? लिनक्स का आईडी मिल सकता है, लिनक्स को आप क्लिक करके फाइल बनाना ये सब कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू विद द हडूप फाइल सिस्टम. ठीक है, उसको करने के लिए आपके पास अभी फिलहाल के लिए क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, हु एम आई इज अनदर कमांड. ओके, विच यूजर इज करंटली यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम? तो क्लाउडेरा इज द यूजर. ओके, हियर ऑल्सो यू कैन सी दिस क्लाउडेरा @ क्विक स्टार्ट मीन्स क्लाउडेरा इज द यूजर नेम.
ठीक है, तो वो आपको, हाँ चलो अभी आप बताएंगे मुझे, लास्ट ईयर यू हैव वर्क विद द लिनक्स, सो एनी फाइव कमांड्स ऑफ लिनक्स, यस एनीवन, एनी फाइव कमांड्स ऑफ लिनक्स, जस्ट राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. वेरी गुड उज्मा, उज्मा ने कमांड का नाम दिया है mkdir, दैट इज मेक डिरेक्टरी. यू कैन क्रिएट डिरेक्टरी इन द लिनक्स. ओके, सो यहाँ पे अगर आपको डिरेक्टरी करनी है क्रिएट, तो mkdir, ओके, फर्स्ट नाउ द लिनक्स एंड हडूप सिस्टम बोथ आर कैश सेंसिटिव. फर्स्ट dir, ठीक है, मेक डिरेक्टरी. देखो डिरेक्टरी क्रिएट हो गई कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? ls कमांड से. ls कमांड में फर्स्ट dir करके कुछ है? यस इट इज देयर, फर्स्ट dir. यस शुभम ने बोला है ls, वेरी गुड. सूरज इज वेरी गुड, सूरज. cd dir, cd कमांड, cd टू चेंज डिरेक्टरी, फर्स्ट dir, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, इंस्टेड ऑफ दिस tilde sign, now we are having first dir is the command. First dir यहाँ पे दे दिया है. अगर आपको इसे बाहर आना है और आपको प्रीवियस डिरेक्टरी में जाना है, तो cd space dot dot, स्पेस देना है बीच में, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. ओके, सो दैट इज द कमांड. वेरी गुड सूरज. देन आफ्टर निशा, रिमूव डिरेक्टरी, वेरी गुड. एंड धनेश है, रिमूव डिरेक्टरी, यस वेरी गुड. सो मूव डिरेक्टरी, मूव कुछ भी करना है, तो सबसे पहले फाइल के रिलेटेड कोई कमांड याद है आप लोगों को? यस एनीवन, फाइल रिलेटेड कमांड इन लिनक्स. सो वॉट एवर द कमांड वी हैव लर्न, वी आर डिस्कसिंग फॉर लिनक्स, द सेम कमांड नाउ वी विल इम्प्लीमेंट इन HDFS, बट उसका थोड़ा सा कमांड का अलग होगा कैसे लिखना है, ठीक है. यस निशा, अक्षिता, वेरी गुड. टच कमांड, टच कमांड वी आर यूजिंग टू क्रिएट अ एम्प्टी फाइल, ठीक है. तो यहाँ पे हम करेंगे touch, टच एंड देन फर्स्ट फाइल, ठीक है, डॉट txt कर देते हैं, फर्स्ट फाइल डॉट txt. ओके, द फाइल इज क्रिएटेड. कैट करके हम देख सकते हैं, जैसे आयुष ने बताया, कैट करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं वेदर एनी कंटेंट इज देयर इन द फाइल और नॉट. सो देयर इज नो कंटेंट इन द फाइल, सो नाउ वी रिक्वायर टू फर्स्ट पुट सम कंटेंट इन द फाइल. यस एनीवन, जी एडिट, ओके. और कोई एडिटर पता है? vi एडिटर पता था आप लोगों को? हाँ, vi एडिटर पढ़ा था लिनक्स में. सो vi एडिटर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिटर, वेयर इफ द फाइल इज नॉट देयर इट विल क्रिएट द फाइल, एंड इफ द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट देन इट विल ओपन दैट फाइल इन द एडिटर. यू कैन एडिट और add data in the file, you can append data, you can delete data, whatever you want to do, you can modify file, and then after you save that file, and then you can work on that file. So vi editor is available, see this vi editor is here, theek hai. So yahan pe aapko milta hai, ab aap isme kuch bhi nahi likh sakte jab tak aap isme i press nahi karte. So to insert any data in the vi editor, you require to use i. यू रिक्वायर टू प्रेस आई की, मतलब आई लेटर को प्रेस करना है, और उसके बाद आपको कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे गुड आफ्टरनून TIMSCDR स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, ठीक है. सपोज ये हमारी फाइल है, ठीक है. अब इसको हमें क्या करना है? सेव करना है. तो सेव करने के लिए हमारे पास कमांड है यहाँ पे एस्केप कॉलन डब्लू क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है. सो ये हम कर रहे हैं एंटर. तो यहाँ पे हमने क्या किया, फाइल को सेव भी किया और हम एडिटर के बाहर, मतलब एडिटर से क्विट भी हो गए, ठीक है. एस्केप कॉलन क्यू एक्सक्लेमेशन, यस वेरी गुड. एस्केप करने के बाद आपको कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क, चारों साथ में लिखना है, ठीक है, ऐसे डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू दिस वे,
ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में डाला है, ठीक है, इस तरीके से आपको डालना है. नाउ आई वॉन्ट टू सी द कंटेंट ऑफ द फाइल, सो कैट कमांड इज देयर, ठीक है, सो वी कैन यूज कैट कमांड. ओके, सो यस, फाइल इज देयर एंड द फाइल कंटेंट इज हियर, ठीक है, सो दैट वे यू कैन सी द फाइल. ठीक है, वैसे ही आप कॉपी कर सकते हो सीपी कमांड से, जैसे अक्षता ने बताया, गौरव ने बताया है, आदर्श ने बताया है कि सीपी कमांड इज टू कॉपी फाइल फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन. द थिंग इज दैट सोर्स के पास भी वो फाइल रहेगी और डेस्टिनेशन के पास भी वो फाइल कॉपी हो जाएगी. सो नाउ वी आर हैविंग हियर फर्स्ट डिरेक्टरी. अगर मैं सेकेंड डिरेक्टरी बनाती हूँ तो सीपी कमांड कैसे आएगा, सीपी फर्स्ट डिरेक्टरी स्लैश फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी और उसके बाद सेकेंड डिरेक्टरी का पाथ देना है. ठीक है, तो वहां पे फर्स्ट फाइल जो है वो फर्स्ट से सेकेंड में कॉपी हो जाएगी. अगर मैंने मूव कमांड दिया, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेती हूँ, सीपी फर्स्ट डी आई आर स्लैश फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी. ठीक है, ये हमें, दिस इज माई सोर्स सोर्स पाथ एंड देन आफ्टर डेस्टिनेशन पाथ सेकेंड डी आई आर. ठीक है, अब ये सेकेंड डी आई आर मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा, बिकॉज माई देर इज नो डिरेक्टरी लाइक सेकेंड डी आई आर. आई रिक्वायर टू क्रिएट वन डिरेक्टरी सबसे पहले, मेक डिरेक्टरी से, तब द कमांड इज एम के डी आई आर. तो यहाँ पे एम के डी आई आर सेकेंड डिरेक्टरी कमांड देना पड़ेगा एंड देन आफ्टर आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर. ओके, सो दिस वे वी कैन कॉपी द डेटा फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, बट एंड सेकेंड के पास भी वो डेटा रहेगा और फर्स्ट के पास भी. नाउ सपोज वी गिव कमांड मूव, तो मूव क्या करता है, मूव क्या करेगा, फर्स्ट के का डेटा सेकेंड में मूव कर देगा. तो नाउ इन दिस केस यू विल नॉट गेट डेटा इन द फर्स्ट डिरेक्टरी. ठीक है, मैं इसलिए समझा रही हूँ आपको अभी लिनक्स में, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो एच डी एफ एस इज वेरी इजी फॉर एच डी एफ एस कमांड्स आर वेरी वेरी इजी. ओके, सो दैट वे. ओके, एंड देन आफ्टर सपोज यू वॉन्ट टू रिमूव एनी फाइल, देन यू कैन रिमूव दैट. आर एम कमांड इज देयर टू रिमूव द फाइल, आर एम डी आई आर कमांड इज देयर टू रिमूव द डिरेक्टरी. ठीक है, तो हम रिमूव नहीं करेंगे, नहीं तो हमें वापस क्रिएट करना होगा. ठीक है, सो दिस इज द वे वी कैन गिव द कमांड्स. ओके, नाउ सिंपल एलएस कमांड इज देयर, बट इफ यू वॉन्ट टू सी द डिटेल्स ऑफ ऑल द फाइल्स इन द लिनक्स, जैसे हडूप फाइल सिस्टम में सारी की सारी डिटेल आती है, वो हमने देखा था. ठीक है, हडूप फाइल सिस्टम में आपको बहुत सारी डिटेल फाइल के रिलेटेड मिल रही है, लाइक साइज, डेट, मॉडिफाइड डेट, ओके, यूजर्स और राइट्स, वो सारी चीजें हमें यहाँ नहीं मिल रही एलएस में. ठीक है, तो उसको लेना है तो ls hyphen ltr is the command. ओके, क्या कमांड है, ls hyphen ltr, ओके, टाइम राइट्स एंड लॉग. ओके, तो वो कमांड जो है उससे आपको पूरी डिटेल मिलेगी, जस्ट लाइक यू गॉट द डिटेल इन द hdfs. ओके, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, एनी टाइप ऑफ कमांड यू वॉन्ट टू रन फॉर Hadoop क्लस्टर, the first keywords are HDFS, DFS, okay, or you can write one keyword Hadoop FS, okay, either you write this or ya fir HDFS DFS, okay. To agar aap internet se bhi kuch dekh rahe ho aur aapka command ye mil raha hai, to that's okay, both are same, HDFS DFS or Hadoop FS. okay, and then after you require to give the command. theek hai, तो अब ये जो लिनक्स आपका एनवायरनमेंट है वो समझेगा कि ये कमांड जो है वो लिनक्स फाइल सिस्टम को रन करने, लिनक्स फाइल सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, वो हडूप के साथ कम्युनिकेट कर रहा है. जस्ट लाइक एज आई गिव टोल्ड यू, दिस ls कमांड जस्ट गिव द लिस्ट ऑफ फाइल्स अवेलेबल विद द हडूप. ओके, एंड द सेम वे इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द स्पेसिफिक कमांड, ठीक है, जैसे द User Cloudera is the default library, default directory for the Hadoop. Okay, तो ये default directory है. Clear? तो उस तरीके से आपको मिल सकता है. Now, if you want to create one folder in or directory in this particular file in this HDFS cluster, then mkdir is the command. Okay, mkdir first. डायरेक्टरी. ओके, मेरी फर्स्ट डायरेक्टरी जो है वो कहाँ पे है, तो HDFS DFS
make directory mkdir, the same command for Hadoop also, and the directory name. Okay, so now this particular directory is created in Hadoop cluster. Okay, so now you want to see this particular directory in Hadoop cluster, we can see this first dir. Okay, first dir is there. Okay, so that way you can create. Now suppose you want to create one file in the Hadoop cluster. Okay, you cannot create file directly in the Hadoop cluster. You require to create file in the Linux first, and then you require to put that file in the Hadoop cluster. There is no direct command for the file creation in Hadoop. Okay, so now we have already created one file. We can see this file, my first file, I think first file karke kuch tha. अच्छा यहाँ पे first file .txt. ठीक है, हमने ये वाली फाइल क्रिएट की थी cat first file .txt. ठीक है, ये हमने क्रिएट किया था. सो नाउ सपोज यू वांट टू पुट क्रिएट वन फाइल. ओके, तो देन यू रिक्वायर टू क्रिएट फाइल हियर इन लिनक्स, एंड नाउ वी आर moving this file to the destination, or you can copy this file to the destination. Okay, तो copy करने के लिए क्या command है अभी यहाँ पे? So यहाँ पे हम वापस से करेंगे, यहाँ तक आपको लिखना है hdfs dfs, and then after hyphen put command to put any file from Linux to Hadoop. Okay, and then after you require to give the file name of the Linux, and then you require to give the directory /cloudera is the default directory in the Hadoop. अब यहाँ पे हमने एक और create किया था first dir. सबको पता है हमने first dir अभी create किया था, हम उसके अंदर इस particular file को add करते हैं. तो this is under this first dir. ठीक है, तो first dir के अंदर ये file जो है वो यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, सो वी आर कॉपिंग दिस फाइल फ्रॉम लिनक्स टू हडूप. क्लियर हुआ सबको ये लिनक्स टू हडूप. नाउ वी वांट टू सी दिस वेदर द फाइल कॉपी टू दैट डेस्टिनेशन और नॉट. सो हियर वी विल अगेन गिव कैट कमांड. ओके, हाइफन कैट, एंड वी विल गिव दिस फाइल नेम ओवर हियर फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, एंड रिमूव दिस फाइल नेम फ्रॉम हियर. ओके, तो HDFS, DFS, cat और क्या दिया है हमने, वो फाइल का डेस्टिनेशन जो हमने क्रिएट किया. ठीक है, यस फाइल इज देयर, सो इट मींस वी हैव सक्सेसफुली कॉपीड दैट फाइल. वी हैव कॉपीड दैट फाइल. ओके, द फाइल इज ऑल्सो देयर इन लिनक्स एनवायरमेंट. क्लियर? ओके, सो नाउ ही करंटली वी आर हैविंग दिस फाइल ओवर हियर, वी रिक्वायर्ड बैक दिस फाइल टू लिनक्स. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम हडूप से लिनक्स में फाइल को लेना चाहते हैं. समझ आया आपको लोगों को? ओके, हडूप से लिनक्स. ओके, जैसे निशा ने बोला हडूप टू लिनक्स कैसे करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे हम लोग. पुट की जगह पे उसका कमांड होगा गेट. पुट की जगह पे कमांड क्या है? गेट. और गेट कहाँ से करना है अभी हमें? तो हमें यहां से सोर्स क्या होगा हमारा, हडूप का सोर्स होगा अभी. सो हडूप में फर्स्ट dir के अंदर हमारी वो फाइल है फर्स्ट फाइल डॉट txt, और ये फाइल हम अभी कॉपी करेंगे कहाँ पे, हमारे फर्स्ट dir लिनक्स के अंदर जो है वो. तो लिनक्स का हमारा जो पाथ है वो है होम क्लाउडेरा स्लैश फर्स्ट dir. ठीक है, यहाँ पे कॉपी हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये यूजर जो है वो ऑलवेज क्लाउडेरा का डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, और होम से स्टार्ट होता है लिनक्स का होम डायरेक्टरी, और वहां पे दोनों जगह पे हमने फर्स्ट dir जो है वो क्रिएट किया है. ठीक है, तो यहाँ का अभी फाइल हमने कहाँ कॉपी किया, लिनक्स में, हडूप टू लिनक्स. ओके, सो लिनक्स इज गेटिंग द फाइल एंड लिनक्स इज पुटिंग द फाइल. Clear? Because all the time we are communicating to Hadoop through Linux. Another command is touch command, create empty file. Very good, very good, very good, Mansi, Uzma, Nisha. So here also we can create empty file. Okay, so वहाँ पे है touch z. ठीक है, so here you can create empty file.
ओके यूजिंग दिस कमांड. ओके लेट्स से वी विल गिव फाइल वन. सो हियर यू कैन कम टेक. सो द फाइल इज क्रिएटेड. इफ यू वॉन्ट टू सी दिस फाइल यू कैन यूज ls कमांड. ओके यूजिंग ls यू कैन चेक द पर्टिकुलर डिरेक्टरी ऑल्सो. सो दिस इज द डिरेक्टरी पाथ वेर आई वॉन्ट टू चेक द फाइल नेम. ओके सो हियर वी आर हैविंग टू फाइल्स फर्स्ट फाइल एंड फर्स्ट फाइल वन. ठीक है तो फर्स्ट फाइल इज नथिंग बट वी हैव क्रिएटेड एम्प्टी वन. देयर इज नो डेटा इन दैट फाइल. क्लियर एवरी वन. देन आफ्टर इफ यू वॉन्ट टू सी द यूजेस ऑफ एनी कमांड यू कैन गिव द कमांड HDFS DFS uses. Let's say you want to check the use of ls command. Okay, so it will give you all the options. Okay, जितने भी इसके साथ यहाँ पे आपके पास ये option है वो सारे ही देगा कि क्या क्या आप use कर सकते हो ये command के साथ. But if you want to check the help of any of the command, then you require to give the help command. ठीक है सो इट विल गिव यू ऑल द डिस्क्रिप्टिव थिंग्स. ओके नॉट ये आपको अगर शॉर्ट में देखना है कि भाई इसका यूज क्या है कौन कौन से पैरामीटर दे सकते हैं तो यहाँ से देखना है यूजेस में से. बट इफ यू वॉन्ट टू चेक विच दिस कमांड इज डूइंग वॉट. ओके सो इन दैट केस यू रिक्वायर टू यूज दिस. क्लियर. नाउ इफ यू वॉन्ट टू रिमूव द फाइल देन अगेन वी आर हैविंग द सेम कमांड. यहाँ पे रिमूव करना है तो रिमूव rm कमांड इज देयर. सो आर एम कमांड क्या करेगा इट विल रिमूव द फाइल बट इट विल नॉट रिमूव द फाइल टोटली. ओके इट विल इफ यू आर रिमूविंग द फाइल और डिलीटिंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल क्रिएट डॉट ट्रैश फोल्डर. ओके इफ यू चेक यू कैन चेक ओवर हियर वन ट्रैश फोल्डर इज देयर. इट विल मूव दैट पर्टिकुलर फाइल इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर. ठीक है तो ट्रैश में चला जाएगा सारा यहाँ पे जो भी आपका आता है. सो दैट इफ यू वांट टू रिट्राइव दैट डेटा देन लेटर ऑन यू कैन गेट दैट डेटा अगेन. ओके सो दैट इज व्हाट द रिमूव कमांड. नाउ सपोज यू वांट टू रिमूव अ फोल्डर व्हिच इज हैविंग फाइल. ओके सो दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली. यू कैन नॉट रिमूव any folder if the folder is having any file. But if you use RMS that is recursive remove. ओके सो रिकर्सिव रिमूव अगर करना है तो आर एम एस इज द फाइल के इज द कमांड विच विल रिमूव द फोल्डर इफ द इट इज हैविंग एनी ऑफ द फाइल. ठीक है तो भी वो रिमूव कर देगा. ठीक है बट आप एक और कमांड है यहाँ पे जो ट्रेस में भी नहीं जाता है वो है एक्सपंज कमांड. एक्सपंज कमांड क्या करता है UNGE. This is the command which will remove the directory and it will not notify also कि भाई ये remove हो रही है और it will directly remove from the your hard disk. Okay, it will not go to trash also. Okay, so that way also you can remove. I am not removing this because I want to use it later on. Then after again you can use a cp command. Same command is there. You can use a cp command also that is copy. फाइल तो आपको यहाँ पे एक फाइल और दोनों ही हडूप फाइल सिस्टम का पाथ होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट राइट वन लिनक्स फाइल पाथ और अनदर वन इज हडूप. लिनक्स और हडूप के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो पुट और गेट दिस आर द टू कमांड्स वी रिक्वायर टू यूज. सेम वे कॉपी टू लोकल और कॉपी टू ग्लोबल ये सारे कमांड्स भी है इसके अंदर. इसके ऑल्टरनेटिव है बट आप ये भी कमांड यूज करोगे तो चलेगा. तो गुड पुट एंड गेट एक ही याद रखो दैट इज इनफ. ओके अनदर कमांड इज योर स्टेट कमांड. इन इफ यू वांट टू चेक द स्टेट ऑफ एनी ऑफ द फाइल ऑफ द हडूप देन यू कैन चेक. लेट्स से मुझे यूजर का स्टेटस चेक करना है तो लेटेस्ट मैंने कब उसको एक्सेस किया था मॉडिफाई किया था दैट डेटा आई कैन गेट थ्रू द स्टेट कमांड. ओके अनदर कमांड इज ड्यू कमांड डी यू. ओके दिस इज द कमांड थ्रू विच यू कैन गेट द साइज ऑफ द फाइल अवेलेबल इन द डायरेक्टरी. ओके तो यहाँ पे देखो हर एक फाइल में जो भी डेटा है उसका सबका फाइल का पता चलेगा कि टोटल साइज उसकी क्या है. अगर हम क्लाउडेरा करेंगे तो क्लाउडेरा में जितनी फाइल है उसका हमें साइज पता चलेगा. ठीक है सो दैट वे यू कैन गेट द सिस्टम. ओके सो अप टिल नाउ एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स. यस एनीवन.
any question? So whatever we can do with the Linux, the same we can do with the Hadoop system also. There are, these are the common commands. Thank you, everyone.